शासकीय अस्पताल सुपेला में 20 बिस्तर आइसोलेशन वार्ड बनाने कार्य आदेश जारी कर दिया गया है, जिसकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर कार्य आदेश जारी कर दिया जा चुका है। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर पोयाम सिंह ने आयुक्त को अवगत कराया और बताया कि कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशन में 20 बिस्तर आइसोलेशन वार्ड तैयार करने कार्य आरंभ किया जा चुका है, जिसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण आइसोलेशन वार्ड के लिए किया जाएगा, जिसमें कोविड के मरीजों का उपचार होगा। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। शासकीय अस्पताल सुपेला जो शहर का प्रमुख हॉस्पिटल है, उस पर माननीय आयुक्त महोदय ने निरीक्षण किया। वहाँ पे निगम का जो धनवंतरी योजना के तहत में मेडिकल स्टोर है, वो निगम उसका निर्माण कर रहा है, और इसी के तारतम्य में आयुक्त महोदय ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टर प्याम सिंह जो वहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने माननीय आयुक्त महोदय को अवगत कराया कि 20 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड जो है वो माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर बनाया जाना है, जिसका कार्य जारी हो चुका है। इसके अलावा ATP जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जो गंदे पानी को रिसाइकल करके शुद्ध पानी में तब्दील करेगा और उसका उपयोग अन्य माध्यमों से किया जाएगा, इसके बारे में डॉक्टर PM सिंह ने बताया। उसकी कार्य प्रगति पर उनको जानकारी दी। माननीय आयुक्त महोदय ने OPD ऑपरेशन कक्ष और कोल्ड चेन, कोविड जांच, इन सभी और पार्किंग स्थल, इन सभी चीज़ों को मुआयना करके अच्छी बेहतर प्लानिंग बनाने के निर्देश जो हैं वो जो आयुक्त और जो प्रभारी हैं उनके समन्वय को करने के लिए दिए हैं। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने वैक्सीन की उपलब्धता एवं गोल्ड चेन सिस्टम को भी देखा और प्रतिदिन लगने वाली वैक्सीन के आधार पर व्यवस्था बनाए रखने निर्देशित किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।